हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेन फैब्रिक यहाँ पर जो है वो सिल्क का है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले हम देखिए कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बैक पार्ट कट कीजिएगा डिज़ाइन के लिए। जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेज़रमेंट रख रही हूँ 5 इंच। इस तरीके से यहाँ से भी हमें 5 इंच ले लेना है, 5 इंच। और यहाँ पर देखिए 34 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल्स लेना है 5.5 इंच। आर्म होल्स ली है 5.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच, 8.5 इंच लिया है। और 1.5 इंच, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई कर देनी है। देखिए यहाँ पर हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है, तो 28 इंच कमर है उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए नीचे से भी कट करके हम इसे सीधा कर लेंगे और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसे रखकर कट कर लिया है। इसके बाद नेक की विड्थ रखनी है हमें, देखिएगा यहाँ पर 2.25 इंच, 2.25 इंच रख रही हूँ नेक की विड्थ। और यहाँ पर नेक की लेंथ रख रहे हैं हम 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ और यहाँ पर लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। नीचे से नेक की विड्थ 3 इंच रखी है मैंने। और यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इस तरीके से नेक को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें ये वाला शेप बनाना है नेक का। और ये लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग, इसे डबल फोल्ड करना है हमें और यहाँ पर हमें नेक को ड्रॉ करना है। तो नेक की जो विड्थ रखी है वो 2.25 इंच ली है और नेक की लेंथ ली है 9.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया है और जो कपड़े पे शेप हमने ड्रॉ किया है सेम यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। साइड से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेना है। कटिंग से पहले आप यहाँ पर पिन लगा लें और इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर नहीं अटैच करूँगी इसे, हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ऊपर हम रखकर इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं और नहीं तो आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। नेक की विड्थ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, बीच का जो पार्ट होता है उसे रख करके। और मैंने यहाँ पर इसे प्रेस से चिपका लिया है, फिर भी मैं यहाँ पर एक सिलाई अटैच यहाँ पर लगा दूँगी इसे अटैच करने के लिए ताकि ये निकले ना। और अब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा और अस्तर वाले कपड़े को वो रखना है हमें इसके ऊपर इस तरीके से। और सिलाई लगाने से पहले हम पिन लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से हमें पिन लगा लेनी है और यहाँ पर देखिए नेक के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उससे चिपकाते हुए बिल्कुल इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। नेक के शेप के अकॉर्डिंग ही हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बीच का फैब्रिक हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से पलट जाता है। ये देखिए पूरे ही नेक पे हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं। अब हमें अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है कि पलटने के बाद आपका कैनवास दिखे तो फिर आप अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के आपको पेस्टिंग को अटैच करना होगा। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है।
जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इसे आपको पूरा अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। अब हम साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। साइड से सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रीज ना आए। ये देखिए, इस तरीके से आपको फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। साइड से इसे सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे। देखिए, इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमें यहाँ पर डोरी बनानी है डिज़ाइन के लिए, तो उससे पहले देखिए हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। पहले प्लेट्स लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। तो प्लेट्स लगाने के लिए आपको सेंटर में मार्क करना होता है ब्लाउज़ के, और यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर जो प्लेट्स की लेंथ रखी है वो 4.5 इंच ली है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ प्लेट्स लगा लेनी है और इसके बाद हम यहाँ पर कमर पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, कमर पट्टी लगाने के बाद हम कमर पट्टी को नीचे की तरफ करेंगे इस तरीके से और एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम इस तरीके से करके यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिएगा, हमने इसे फोल्ड कर लिया है और ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें डिज़ाइन के लिए डोरी बनानी है, तो मैंने मेन फैब्रिक जो है इसी का ग्रीन कलर में ही यहाँ पर लिया है ये पट्टी, और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच है। और जिस तरीके से हम अपने ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर डोरी तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहें तो अपने साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में दोनों कलर आप कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक डोरी और बनाऊँगी जो मैं पिंक कलर में बनाऊँगी, और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से वो कट कर देना है। थोड़ा फैब्रिक रखना है हमें, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे सुई धागे से पलट लेंगे डोरी को। तो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली सुई ली है, अगर आपके पास छोटी सुई होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। सुई में 4 फोल्ड करके मैंने धागा डाला है। अच्छे से आप पहले कॉर्नर पर इसे अच्छे से नॉट लगा लें, पक्का कर दें, ताकि जब हम इसे पलटने के लिए खींचते हैं तो हमारी जो धागा है वो टूटे ना। और अब आपको इस तरीके से सुई को अंदर की तरफ करना है और डोरी को नीचे की तरफ करते जाना है इस तरीके से। नीचे की तरफ करते जाएंगे तो डोरी हमारी पलट करके ऊपर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से आपको नीचे की तरफ खींचते जाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 डोरी बनाई है, एक ग्रीन कलर में है और एक पिंक कलर में है। आप चाहें तो दोनों कलर कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन्हें नाप करके इस तरीके कट कर लेनी है। तो मैंने ग्रीन कलर की डोरियों को इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें पिंक कलर के भी पीसेस कट कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिंक कलर में भी यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। तो ये हमारे पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिज़ाइन के लिए नेक के नीचे लगाएंगे। तो ये जो नेक का हमारा नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमें लगाने ही नहीं, तो आप कोई भी कलर आगे या पीछे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रंट में आगे की तरफ देखिए पिंक कलर ले रही हूँ और अंदर की तरफ ग्रीन कलर ले रही हूँ, और इस तरीके से हम इसके लूप बनाकर नीचे नेक की तरफ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो नीचे वाला नेक है हमारा, वहाँ पर पूरे में ही हमें ये डिज़ाइन लगानी है इस तरीके से बनाकर। ये देखिए, इस तरीके से पूरे ही नेक पे हमें लगा लेना है नीचे की तरफ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे पे ही ये लूप लगाकर अटैच कर लिए हैं और ये जो डोरियाँ बाहर की तरफ निकल रही है वो हमें इस तरीके से कट कर देनी है। इन्हें हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे लेस। तो लेस आप गोल्डन कलर में भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम लेस को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लूप के ऊपर लेस लगानी है फिनिशिंग के साथ, फिर हम साइड में लेस लगाएंगे। ये देखिए नीचे मैंने लगा ली है। अब हम साइड में लगाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर चौक से पहले पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद लेस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक तरफ लगा के दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगानी है। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है और मैंने यहाँ पर डोरी भी लगा ली है। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।